गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर ईवीएस क्लास। ईवीएस की लास्ट क्लास में बेटा हमने चैप्टर टू की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। चैप्टर टू है आपका फिजिकली चैलेंज एंड एल्डरली पीपल, केयरिंग फॉर द फिजिकली चैलेंज एंड एल्डरली पीपल। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर एक्सरसाइज पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पर आपको फर्स्ट एक्सरसाइज दी है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आपको ये रीड करना है और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। आर डैश हेल्प अस परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। हमारी वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, अलग अलग एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कौन हमारी हेल्प करता है, तो क्या आएगा? रिस्पेक्ट, स्लो, बॉडी या फन? क्या आएगा? बॉडी। वी शुड डैश ओल्ड पीपल। हमको जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं, उनकी क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट। ठीक है, तो मैंने टू आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। टू आपको खुद से करना है, आप रीड करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं, वहाँ से आप ये अपना जो क्वेश्चन है इसको आप बुक में ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन सर्कल द ऑड वन आउट। ठीक है, यहाँ पर आपको फोर वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें से जो वर्ड यहाँ रिलेटेड नहीं है उसको आपको एनसर्कल करना है। जैसे ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब क्या होता है? अंधा। डेफ मतलब, डेफ मतलब क्या होता है? बहरा, जिसको सुनाई नहीं देता है। ब्रेल, ब्रेल लिपि जो हमने, जो पढ़ने के लिए क्या होती है, यूज़ होती है। एंड डम, डम मीन्स क्या होता है? गूंगा। तो यहाँ पर देखो, ब्लाइंड मतलब अंधा, डेफ और डम, ये तीनों क्या है? फिजिकली चैलेंज की क्या है, हमने पढ़ा था ना, फिजिकली चैलेंज पीपल कौन कौन होते हैं? ब्लाइंड होता है, जो डेफ होता है, जो डम होता है। तो ब्रेल क्या है? इनसे रिलेटेड नहीं है। ब्रेल क्या है? एक लिपि है। तो हम यहाँ पर किसको सर्कल करेंगे? ब्रेल को। अब ईयर, आईज, नोज एंड साइन लैंग्वेज। तो ईयर, आईज, नोज, ये तीनों क्या है? बॉडी पार्ट्स हैं। लेकिन साइन लैंग्वेज क्या है? ये तो एक भाषा है, ठीक है, जो पढ़ने में मदद होती है ब्लाइंड पीपल को। तो ये इन तीनों से क्या है? ऑड है, अलग है। तो ये थर्ड वाला मैंने वन और टू आपको करके दिखाया है, थर्ड नंबर का आपको करना है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पर आपको जो ये दिए हुए हैं 1 2 3 4, इनको रीड करके इधर ए बी सी डी से मैच करना है। आई साइट, आई साइट क्या काम आती है? आई साइट से मैच करेंगे आप, ब्रेल से करेंगे, मेडिसिन से करेंगे, हियरिंग एड से करेंगे, स्पेक्टेकल से करेंगे। तो आई साइट जो होती है, जिसकी आंखें कमज़ोर होती है, स्पेक्टेकल्स है ना, वो क्या लगाता है? चश्मा लगाता है। तो आप इससे इसको मैच कर देंगे। ईयर, ईयर को आप किससे मैच करेंगे? ईयर में क्या लगाया जाता है? हियरिंग एड। सिक, सिक पीपल क्या करेगा? मेडिसिन लेगा। ब्लाइंड, ब्लाइंड पीपल क्या करेगा? ब्रेल लिपि से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैच द फॉलोइंग तो मैंने ही आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको अपनी क्लास वर्क नोटबुक में करना है। ओके, राइट डाउन डेट एंड डे, चैप्टर नंबर टू, चैप्टर नेम, उसके बाद में अगर आपको चैप्टर में जो वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, जो हमने पीछे डिस्कस किए थे, जो जितने भी वर्ड मीनिंग है 1 2 3 जो भी दिए हुए हैं, वो आपको वर्ड मीनिंग कंप्लीट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज मैच द फॉलोइंग लिखेंगे आप, फिर ये मैच द फॉलोइंग आप अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री डालना आप, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या डालोगे अपनी कॉपी में? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आपको आंसर लिखना है आंसर की से। हु आर फिजिकली चैलेंज पीपल। ठीक है, फिजिकली चैलेंज पीपल कौन होते हैं? इन वॉट वेज वी शुड लुक आफ्टर एल्डरली पीपल। किन तरीकों से हम, जो हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं, उनकी देखभाल करना चाहिए? वॉट इज ब्रेल, ब्रेल क्या है? हु आर कॉल्ड ब्लाइंड, अंधा व्यक्ति किसे कहेंगे? वॉट इज साइन लैंग्वेज एंड साइन लैंग्वेज क्या है? ये फाइव क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, ये फाइव क्वेश्चन आपको आंसर की से कंप्लीट करना है अपनी क्लास वर्क नोटबुक में। यहाँ पर आपका चैप्टर सेकेंड कंप्लीट होता है। इतना वर्क सभी बच्चों को अच्छे से अपनी क्लास वर्क कॉपी में और अपनी जो बुक का वर्क दिया है मैम ने, वहाँ तक आपको कंप्लीट करके रखना है। और जिन बच्चों ने सिलेबस नहीं खरीदा है बेटा, जल्दी से अपना सिलेबस परचेस करें और मैम के साथ साथ अपना वर्क कंप्लीट करें। थैंक यू।